हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहक इंस्टीट्यूट। अपने इस वीडियो में फ्रेंड्स हमने सॉल्व किया एग्जांपल नंबर 15 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स चैप्टर से, क्लास 9th की बुक है फ्रेंड्स, आरएस अग्रवाल। गिवन है क्वेश्चन में ई डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स बी सी सी ए एंड ए बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। प्रूव दैट फर्स्ट नंबर में बी डी ई एफ इज़ अ पैरेललोग्राम, सेकेंड नंबर एरिया ऑफ ट्रैंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी सी, एंड थर्ड नंबर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी डी ई एफ इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी सी। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले ए बी सी एक ट्रैंगल है, तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स गिवन हैं डी ई एंड एफ। ओके फ्रेंड्स, नाउ सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम से। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, डी ई और बी ए पैरेलल हैं, डी ई एन बी ए पैरेलल हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग जब ट्रायंगल्स की दो साइड्स के मिड पॉइंट को जॉइन करते हैं तो वो थर्ड साइड से पैरेलल होता है और उसका हाफ होता है लेंथ में। ओके फ्रेंड्स, देन यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, बी ए के पैरेलल हो जाएगा। जब बी ए के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी ई जो है बी एफ के भी पैलर हो जाएगा। ओके, डी ई बी एफ के भी पैलर हो जाएगा, और एफ ई और बी सी पैलर हैं, एफ ई और फ्रेंड्स बी सी पैलर हैं, तो एफ ई जब बी सी के पैलर है तो बी डी के भी पैलर हो जाएगा। देन बी डी ई एफ क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, बी डी ई एफ। ओके फ्रेंड्स, इसी तरीके से देख सकते हैं हम, डी ई ए बी के पैलर है तो डी ई बी एफ के भी पैलर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ए एफ लेना है इस बारी, क्योंकि हमें डी ई ए एफ जो है इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। सो यहाँ पे डी ई ए बी के पैरेलल है तो डी ई जो है ए एफ के भी पैरेलल हो जाएगा। इसी तरीके से एफ डी ए सी के पैरेलल है, एफ डी ए सी के पैरेलल है, देन क्या होगा, एफ डी ए ई के भी पैरेलल हो जाएगा, ये एफ डी ए ई के पैरेलल भी हो जाएगा। मीन्स ए ई डी एफ एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ए ई डी एफ आमने सामने की साइड्स पैलर है इसलिए ये पैरेललोग्राम हो गया। इसी तरीके से एफ ई बी सी के पैलर हैं, एफ ई और बी सी पैलर हैं, देन क्या होगा, एफ ई डी सी के भी पैलर हो जाएगा, एफ ई डी सी के भी पैलर हो जाएगा। नाउ एफ डी ए सी के पैलर है, एफ डी ए सी के पैलर है, देन क्या होगा, एफ डी ई सी के भी पैलर हो जाएगा, एफ डी ई सी के पैलर हो जाएगा। अब इस पैरेलल इस क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने की साइड्स पैलर हो गई आपस में, देन क्या होगा, ये भी डी सी ई एफ क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ हम देख रहे हैं कि डायगोनल डी एफ ऑफ पैरेललोग्राम बी डी ई एफ डिवाइड्स करती है इट इंटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ओके फ्रेंड्स, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि कोई एक पैरेललोग्राम है उसकी डायगोनल जो है उस पैरेललोग्राम को टू ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है जिसका एरिया आपस में इक्वल होता है, देन क्या हो जाएगा, बी डी ई एफ पैरेललोग्राम में, बी डी ई एफ पैरेललोग्राम में डी एफ इसकी क्या हो गई, डायगोनल हो गई, देन दो ट्रायंगल्स जो बन रहे हैं दोनों का एरिया आपस में इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया है। इसी तरीके से डायगोनल एफ ई है पैरेललोग्राम ए ई डी एफ में, पैरेललोग्राम ए ई डी एफ में डायगोनल क्या है, एफ ई है, देन ये इस पैरेललोग्राम को टू ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगी जिसका एरिया आपस में इक्वल होगा। मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया है। इसी तरीके से फ्रेंड्स, डायगोनल डी ई पैरेललोग्राम डी सी ई एफ को डिवाइड करती है टू ट्राइंगल्स में जिसका एरिया आपस में इक्वल होगा। एरिया ऑफ सी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई एफ, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया है। फिगर से फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं डी ई डायगोनल है डी सी ई एफ पैरेललोग्राम में, देन ये दोनों ट्राइंगल्स बन रहे हैं जिसका एरिया आपस में इक्वल होगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे 1, 2 एंड 3 इक्वेशन हमें क्या मिल गया है, डी ई एफ बी डी एफ का एरिया आपस में इक्वल है, डी ई एफ के इक्वल ए ई एफ हमें मिल गया, एंड डी ई एफ के इक्वल हमें सी डी ई मिल गया। मीन्स चारों ट्रायंगल्स का एरिया आपस में इक्वल हो गया। सो जो एक ट्रायंगल है डी ई एफ उसका एरिया कितना हो जाएगा, ए बी सी का 1/4 टाइम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स,
पैरेललोग्राम बी डी ई एफ का एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। फिगर से फ्रेंड्स हम यहाँ पे समझ सकते हैं बी डी ई एफ ये पैरेललोग्राम है। ओके, इसमें डी ई एफ का हमें एरिया जो है वो मिल गया है, क्या है, ए बी सी का 1/4 टाइम। सो इस पूरे पैरेललोग्राम का क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल से डबल, एज वी नो क्योंकि पैरेललोग्राम में जो है दो ट्रायंगल्स जब बनते हैं डायगोनल को मिलाने से दोनों का एरिया इक्वल होता है, तो पैरेललोग्राम का 2 इंटू DEF ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू DEF का भी हमने फाइंड किया है 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। सो 2 × 2 2 × 2 = 4, देन हमें क्या मिल गया, 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पैरेललोग्राम बी डी ई एफ का एरिया। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ हमने ये तीनों चीज़ें प्रूफ कर दी हैं कि बी डी ई एफ एक पैरेललोग्राम है, बी डी ई एफ इसके बाद डी ई एफ ट्रायंगल का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, 1/4 × एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा, एंड जो पैरेललोग्राम बी डी ई एफ है उसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 × एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ये एग्जांपल नंबर 15 का सॉल्यूशन जो है आप सभी के साथ शेयर किया है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर इस तरह के वीडियोस आप और भी आगे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।